a very good morning and thanks for watching my all the videos related to Ola S1X. This is a 4 kilowatt variant और इससे related कई videos आ चुकी हैं, आप checkout कर सकते हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे only on the drawbacks, यानी कि issues जो मैंने face किए हैं. तो एक छोटी सी summary बता देता हूँ इसकी. ये मैंने S1X Plus को cancel करके on 16th of April मैंने बुक की थी ओला S1X 4 किलोवाट में, और मुझे डिलीवरी मिली थी इसकी अराउंड 1 month 10 days के उसके बाद, वेटिंग पीरियड के बाद. तो ये मुझे मिली है ऑन दिस मंडे 27th. सो अब इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक शॉर्ट क्लिप्स बनाते हैं कि इसमें इशू, क्योंकि इसकी तारीफ़ तो बहुत कर दी हमने और अभी इतने ज़्यादा दिन हुए नहीं है कि इसके बहुत बड़े मेजर इशूज़ मिले हैं. लेकिन एक्चुअली क्या है कि अगर आप न्यू लेंगे तो आपको क्या क्या फ़ेस कर सकते हैं और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है कि इसमें मैंने क्या क्या फ़ेस किया, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट क्लिप बना रहा हूँ. पॉइंट मैंने नोट डाउन कर रखे हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप लुक्स देख लीजिए. तो ये है मेरी की वेरियंट और ये मैंने थोड़ा एसेसरीज़ लगवा ली थी, और इससे रिलेटेड वीडियो और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और इसका रेंज टेस्ट भी कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कंप्लीट स्पोर्ट्स मोड पे फुल रेंज टेस्ट. अभी नॉर्मल और इको पे वीडियो आ चुकी है. तो अब पहला पॉइंट डिस्कस करने का है. तो पहला इशू क्या है इसका, जो मुझे लगा वो है डिलीवरी एक्सपीरियंस. इतना ख़राब डिलीवरी एक्सपीरियंस था. आदमी स्पेंड करता, आप एक एक महीने से वेट कर रहे हो ना, लेकिन पता नहीं सारे एक्सपीरियंस सेंटर में है कि नहीं, लेकिन ये जो मुझे मिली है, मैं आगरा से हूँ और मुझे आगरा के जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ से मिली है. तो वहाँ पे एक तो वहाँ सारे डैमेज प्रोडक्ट थे, उनका स्टाफ भी वो था जो डील करता है इश्यूज़ को, तो वैली पहले से इतने फ्रस्ट्रेटेड है. क्योंकि जहाँ बुकिंग कराई थी एक्सपीरियंस सेंटर में, वो कूल हैं भाई, क्योंकि इशूज़ वहाँ नहीं आते, लोग बुक कराने ही आते हैं. तो मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं मिला वहाँ पर. और दूसरा था लेट डिलीवरी. तो इसकी मुझे डिलीवरी मिली 1 month and 10 days के वेटिंग पीरियड के बाद. उसमें इशू ये था कि उनने जो ऑनलाइन डेट दी हुई थी वो थी 8th of May डिलीवरी, जो कि अपडेट नहीं हुई. ओनली उन्होंने दिखा दिया कि भाई लेट डिलीवरी है आपकी, सॉरी फॉर डिले, वी आर वर्किंग ऑन इट लाइकवाइज. तो ठीक है, ए 1 month 10 days की वेटिंग पीरियड का, लेकिन मुझे कॉल आ गई तो अब होपफुली मुझे तो जल्दी मिल गई. और शायद 4 किलोवाट वेरिएंट है इसलिए, लेकिन अभी 2 किलोवाट वेरिएंट की कोई भी अपडेट नहीं है, सिर्फ 3 किलोवाट और 4 किलोवाट वेरिएंट आया है. तो अब बात करते हैं इसके पैनल गैप्स के इश्यूज़ के बारे में. यस, इसमें पैनल गैप्स हैं, वाकई हैं भाई, क्योंकि ये तो मैंने अपनी PDI प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में ही देख लिया था. ये देखो पैनल गैप, और ये देखो थोड़ा सा चलाने के बाद ही ये पूरा फ्रेम अलग सा ही दिख रहा है. हालांकि इतना अटैच्ड है, लेकिन ये एक्चुअली प्लास्टिक या फाइबर लॉक्स में होता है, इस साइड नहीं है. लेकिन ये मैंने एसेसरी लगा, इससे थोड़ा टाइट हो गया आई थिंक, पर ये यहाँ पे गैप था और मैंने उन्हें कंप्लेन भी किया था. और एक गैप दिखाऊँ, ये इशू, ये देखो यहाँ कितना मोटा है, यहाँ कितना पतला है, यानी कि ये इस साइड पूरा घुसा हुआ है. और ये और भी मैंने वीडियोज़ देखी थी तो उनको भी ये इशू आए थे दूसरे, मतलब एयर या प्रो में. और देखो सेम, अभी तक कोई करेक्शन नहीं है. ये इधर साइड है, प्रॉपर नहीं है. और ये पतला सा लॉक है, अगर ये टूट जाए ना, ये देखो बस ये फाइबर का, तो आपकी डिग्गी खुली ही रहेगी. बाद में आप टेप लगा के चलाओ, पता नहीं कैसे चलाएंगे, भगवान जाने. इसमें थोड़ा सा मेटलिक कुछ दे देते तो अच्छा था. तो ये था इसके पैनल गैप्स में. यस, पैनल गैप्स हैं, लेकिन फाइबर बॉडी है, बाकी ओवरऑल इज़ ऑल गुड. बाकी मुझे अभी कोई मेजर इशू ऐसे मिले नहीं हैं. दूसरा है इसकी सर्विस रिलेटेड. तो सर्विस तो मैंने अभी कराई नहीं है, कोई सर्विस इसमें मुझे बोला भी नहीं है कि कोई रेगुलर सर्विस है. इसकी कोई रेगुलर सर्विस नहीं होती कि 6 महीने. मैं उसमें गया था एथर पे, तो उन्होंने बोला था कि पीरियोडिक चेक्स के लिए आपको आना होगा, ये सर्विस है. तो इसमें कोई सर्विस के लिए नहीं बोला गया है, मुझे बोला आपको इशू आए तो आप टिकट राइज करना, आपको स्लॉट मिलेगा उस पर आइएगा. सर्विस के बाद बात करते हैं इसके ओडोमीटर की. तो भाई ओडोमीटर की बात करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है. और मैंने अभी वहाँ सर्विस की ऑथराइज डीलर से पूछा तो उनने बोला हमें कोई भी अपडेट नहीं है. तो भाई मैंने बोला ठीक है, मिनिमम यार एक बेसिक वो दे देते. ठीक है, इसमें GPS भी नहीं है,
इसमें कोई टर्न बाय टर्न इंडिकेशन भी नहीं है, ठीक है, वी आर ओके विद दिस बिकॉज वी ऑलरेडी बुक्ड फॉर अ की वेरिएंट, कि ये सारे इश्यूज तो नहीं है, ये नहीं है और ओवरली कॉस्ट कटिंग है तभी हमें ये थोड़ा सस्ते में मिला है। तो ये है 78% बैटरी, आप देख सकते हैं 10 बज रहे हैं अभी दिन के, लेकिन इसको कैसे अपडेट करेंगे मुझे नहीं पता, ये अभी टाइम गलत चल रहा है, 3 मिनट पीछे है। और इसमें ट्रिप ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है चाबी बंद करने के बाद, अब इसमें वो वाला ट्रिप नहीं लगा सकते जो कि बाइक में होता है कि आप अपना सेट कर लो और चेक करो, तो एक बार की ऑफ की तो ये दोबारा ज़ीरो से चालू होता है। तो ये मुझे एक इशू लगा इसमें, अपना ट्रिप कैलकुलेशन के लिए आपको मेन मीटर ही देखना पड़ेगा कि इतने किलोमीटर हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रंट लाइट की। फ्रंट लाइट है ना भाई, इसमें दो लाइट होती हैं, ये ये ये, तो ये जो हाई बीम लाइट है ना, हाई बीम लाइट ऊपर दिखाती है, ऊपर मीन्स अगर मैं रात में ड्राइव कर रहा था, अभी रात नहीं है तो आपको दिखाता, तो ये आपको पैनल ट्री के ऊपर जाती है हाई बीम। और थोड़ा सा क्या, ये एक्चुअली मैंने रॉयल एनफील्ड ली थी उसमें भी इशू था, पहले ऊपर दिखाती थी, उन्हें एडजस्ट करके सर्विस में सही कर दिया, उसको थोड़ा सा टिल्ट किया, तो आई थिंक इसके डायमेंशन में कुछ इशू है, वो मैं कभी जाऊँगा तो उसके लिए इतना मेजर इशू नहीं है, तो मैं उसको चेक करा लूँगा। तो ये एक मुझे इशू लगा था। इसके बाद बात करते हैं लेग सपोर्ट की। तो एक्चुअली लेग सपोर्ट जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वो सपोर्ट नहीं है, ये है आपका बैठने का तरीका, ये इतना पतला है ना फ्रंट से, तो ये देखो ऐसे करके बैठेंगे तो बहुत अंदर ऐसे पैर एकदम चिपका के बैठना होता है, लेकिन अब ऑब्वियसली हम लड़के लोगों को आदत होती है ऐसे थोड़ा सा चौड़ में बैठने की, तो ये ऐसे चलाओगे ऐसे तो चलो गर्ल्स लोग देखा होगा स्कूटी पर चलाते हैं, लेकिन ये देखो मैं, मेरी पोजीशन ये रहती है, तो इसमें ना पैर बाहर आ जाते हैं, जब से एसेसरीज लगाई है थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल गया है मुझे यहाँ पे पैर रखने के लिए, तो ये ठीक है, लेकिन ऐसे पहले बैठ रहा था क्योंकि बाहर पैर जा रहा था तो अजीब सा लग रहा था, मतलब पूरा दबा के बैठना पड़ रहा था, अब ये ठीक है थोड़ा सा बाहर, लेकिन ये थोड़ा सा पतला है आगे, ये इशू नहीं है एक्चुअली, इशूज़ नहीं बता रहा मैंने जो एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ, और कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, जो मैंने फेस किया बस वही मैं पॉइंट आउट किया है। उसके बाद आपकी एक और बात कर सकते हैं लेग सपोर्ट के बाद, साइड स्टैंड की। इतना बेकार साइड स्टैंड है भगवान कसम, ये देखो इतना पतला है ना, और ये पूरा फ्रंट में फाइबर लुक दिया ताकि पूरा कॉम्पैक्ट हो जाए, और इतना ये है, ये ब्रेक भी हो सकता है, मुझे डर है। और मैंने उससे बात की थी तो उसने बोला कि बाहर से लगवाने के लिए मैंने बात की थी, कह रहा मत लगवाओ सेंसर काम नहीं करेगा, और कोई भी सेंसर रिलेटेड चीज़ें या वायर रिलेटेड चीज़ें होते हैं तो वो वारंटी में इशू हो सकता है, तो ये सब जो लगवाया है इसके ओरिजिनल बोल्ट रखे हुए हैं मैंने, कभी इशू आया तो मैं उसको फिक्स करा लूँगा, लेकिन इसने कुछ भी अंदर से छेड़ा नहीं है, गाड़ी एज इट इज़ है, और सर्विस पर ही पूछा था एसेसरीज़ में आपको कोई लगवा सकते हो, मैंने पूछा है, उन्होंने वर्बली बोला है मुझे कुछ लिख के, वो प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने सर्विस डिलीवरी लेते समय भी पूछा था, वहाँ सर्विस में गाड़ी खड़ी थी उनसे भी पूछा था क्योंकि लगी हुई थी और उनकी सर्विस हो रही थी। बाकी ये आपका स्टैंड देखो इतना हल्का है ना, ये देखो ऐसे हिलता है, इसमें एक्चुअली गाड़ी का ही वेट ले पाएगा, लेकिन अगर यहाँ साइड स्टैंड पर दो लोग बैठ गए ना, और ज़्यादा लोग आपने कहीं स्टैंड में रखी हुई है, लोग बैठ जाते हैं ना जनरली, तो ये टूट सकता है, तो कभी कहीं ज़्यादा लोग बैठे दिखे तो उनसे बोल देना भाई मत बैठो, मजबूत गाड़ी नहीं है, सीरियसली मजबूत गाड़ी नहीं है। बाकी इसका फ्रेम चैसे सब मजबूत है, अंदर से बैटरी वैटरी सब मजबूत है, लेकिन ऊपर से हल्का लगाया है, कॉस्ट कटिंग बोल लो या फिर आजकल फाइबर बॉडी आ ही रही है वैसे, है ना। और उसके बाद एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं, कंपनी ऑथराइज कोई एसेसरीज़ नहीं आती है इसमें, एसेसरीज़ क्या नहीं आती है भाई, ये सब बाहर से लगवाया ना, एक्चुअली कंपनी ऑथराइज एसेसरीज़ आती तो इनमें ना होल्स होते हैं प्रॉपर, जैसे बाकी एक्टिवा एंड ऑल में होते हैं, क्योंकि कंपनी फिटेड देती है तो उसी होल में थर्ड पार्टी एसेसरीज़ लग जाती हैं आफ्टर मार्केट, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम में नहीं है, तो ये जुगाड़ वाली चीज़ें हैं, जैसे दो बोल्ट यहाँ मिले, जिसने भी डिज़ाइन किया उसने ऐसे डिज़ाइन कर दिया, और यहाँ पर इसने यहाँ लगा दिया है, यहाँ सीट के अंदर लगा दिया है, ऐसे करके एसेसरीज लगाई हैं, तो एसेसरीज़ और जो कंपनी की हैं, जैसे डबल स्टैंड है जो मुझे डबल स्टैंड लगाना है इस पर सेंटर में खड़ा करने के लिए, वो भी नहीं आता है, कंपनी का बहुत महंगा है, बाहर से मैंने ट्राई किया था, मेरे एसेसरीज़ वाली वीडियो में देखिएगा, मैंने लगवा भी लिया था एग्री था, लेकिन वो प्रॉपर फिनिश नहीं था, उसमें इश्यूज़ थे, इसलिए मैंने उसे हटवा दिया,
तब तक मुझे परफेक्ट नहीं मिलेगा मैं नहीं लगवाऊंगा, नहीं तो स्पीड ब्रेकर पे अड़ेगा या नीचे के कोई वायरिंग में इशू होगा तो मैं नहीं लगवाऊंगा तब तक ऐसे ही काम चलाएंगे। मेन चीज़ लगवा ली है मैंने। उसके बाद आता है डबल स्टैंड, बात हो गई। डिग्गी की स्पेस की बात कर लेते हैं। डिग्गी की स्पेस देखो भाई साहब, स्पेस तो खूब है। और ये डिग्गी कैसे खुलती है, अगर आप ऑफ में हो ना डायरेक्ट करोगे तो नहीं खुलेगी, पहले ऑन करके फिर आपको डिग्गी का ये खुलना पड़ेगा। डिग्गी की भरमार स्पेस है, भरमार, लेकिन इसकी डेप्थ नहीं है। यानी कि ये जो हेलमेट आया है ये, इसकी एक्चुअली ये बहुत छोटा है, यहाँ से कॉम्पैक्ट है तो ये आ जाता है, लेकिन आपका नॉर्मल हेलमेट जो डबल फेस आता है ना उसमें बंद करोगे तो ये सीट ऊपर उठ जाती है, प्रॉपर नहीं आती, ऊपर उठ जाती है, तो ये एक इशू है। थोड़ा सा डेप्थ होता ना प्रॉपर हेलमेट आ जाता, बाकी स्पेस वाइज तो सब ओके है। और मैंने दो अपना बाइक का हेलमेट रखा था तो पूरी स्लोप में उठ गई थी बाइक ऐसे करके, तो मुझे सही नहीं लगा। और साइड से ना आपके दो फिंगर अंदर आराम से जा रही थी और देख सकते थे आप ऐसे जो के अंदर दिख रहा था डिग्गी में क्या क्या रखा है, ज़बरदस्ती लॉक लगा दिया था, तो ये प्रॉब्लम थी। एक और है इशू मिरर फिनिशिंग की। मिरर का फिनिशिंग देखोगे ना इतना अच्छा नहीं है ये, बहुत मतलब जो मुझे लगा ये है ये और अच्छा हो सकता था। इनके शार्प कट्स बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे हैं, मैं अपनी रॉयल एनफील्ड में दिखाऊंगा, उसमें देखना बिल्कुल पता नहीं चलता। इसको थोड़ा और अंदर करके दबा देना चाहिए था, तो ये चीज़ नहीं दिख रही है। इसके बाद एक और बात करते हैं आपके वायरिंग रिलेटेड इशूज़। देखो वायरिंग में क्या है, इतना हल्के वायर दिए हैं ना, एनी वन कैन स्केच इट आउट। देखो ये निकाला और ये पूरा बाहर आ गया, तो ये बहुत हल्का है। और ये तो चलो ठीक है ब्रेक का रिलेटेड, किसने खींचा तो मुझे नहीं, मतलब एटलीस्ट इसमें टेपिंग कर देते, कुछ ऐसा कर देते कि थोड़ा सा ये सेफ़ रहता। ये कुछ लाइट के रिलेटेड है, बहुत हल्का वायर है, तो ये अपने आप ही मैं करूँगा। सोच रहा हूँ टेप लगा लूँ या फिर वो प्लास्टिक के आते हैं वो लगा लूँगा। उसके बाद आपके बात कर सकते हैं हेलमेट की। हेलमेट अच्छा है, दिखाया मैंने आपको, तो ये मैंने एक्चुअली मीडियम साइज़ मंगाया था कि वाइफ़ या घर पे कोई यूज़ कर लेगा, लेकिन ये मेरे कान पे तो दब जाता है, प्रॉपर नहीं आता, तो इसका फुल साइज़ मंगाना अगर आप अपने लिए मंगा रहे हो। और दूसरा है कि ये पीछे से शॉर्ट है, तो ये जो शॉर्टनेस है ना इसकी वजह से आपका पूरा स्कल कवर नहीं होता, तो ये एक इशू है। लेकिन ये 750 का पड़ा, तो एक आपका स्पेयर हेलमेट सही है, हल्का फुल्का हेलमेट है, मैं भी पहन लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा कम्फर्टेबल मेरे लिए नहीं है, मेरी वाइफ़ के लिए तो है, वो उसके लिए सही है। मैंने बोला इतने हेलमेट हो गए हैं घर में तो एक छोटा हेलमेट मंगा, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ ही सिलेक्ट किया था, लेकिन उसमें लार्ज लिखा है, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद आपका है इसकी जनरेशन का, ओके रीजनरेशन का एक इशू है। रीजनरेशन में एक्चुअली क्या होता है कि आपको चलते चलते थ्रेशोल्ड को पीछे करोगे तो रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें बस एक ही इशू आया कि ओवर हीट हो जाती है गाड़ी, हीट हो जाती है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं आता। एयर एंड प्रो में आता है, इसमें कोई नहीं आता, तो वो रीजनरेशन काम नहीं करता है, तो वो कभी भी हो सकता है आपकी गाड़ी ज़्यादा देर तक चल रही है या कुछ भी, तो वो काम नहीं करता, या बहुत ज़्यादा गर्मी है इन दिनों, बहुत ज़्यादा गर्मी है। दूसरा ये देखो पूरा हिल रहा है, ये इस साइड बिल्कुल टाइट है, हल्का सा ये भी हिल रहा है, तो एक ये इशू है। तो रीजनरेशन का हो गया, और 89% के बाद ये काम करता है, तो वो कंपनी सॉफ्टवेयर से लगा हुआ है कि 89% के बाद ही काम करेगा, तो आपकी एक ये हो गया बात। तो ये मोस्टली मेरे पॉइंट्स थे, और आप क्या बात करना चाहते हैं कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा। और बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाली है Q&A, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो अभी नए नए हैं, हमें आदत नहीं है इतने कमेंट्स हैंडल करने के लिए, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको कमेंट करने की, और इसके रिलेटेड Q&A की मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, जिसमें मोस्ट पिक जो कमेंट्स हैं ना उनसे रिलेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चीज़ है, इसकी एक स्पोर्ट्स मोड किट करूँगा, जिसमें कि पूरा स्पोर्ट्स पे ही जाएंगे, स्पोर्ट्स पे ही आएंगे, क्योंकि 15% बैटरी के बाद ये ऑटोमेटिकली इको मोड पे लग जाती है। और लास्ट वीडियो देख लीजिए, इसमें रेंज टेस्ट मेरा कितना निकाला, मैंने सिर्फ इको एंड नॉर्मल पे चलाया। इको पे मैं बता देता हूँ आपकी 42 किलोमीटर मैक्स, स्पोर्ट्स पे 90 और नॉर्मल पे 70 किलोमीटर मैक्स, तो इसमें रेंज लॉक होती है। तो ये वीडियोज़ थी, तो थैंक यू वेरी मच अगेन। This is my Ola S1X 4 kW, 3 kW के लिए obviously थोड़ा different चीज़ें हो सकती हैं, तो अब
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सोचा एक शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए ताकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। बाकी बहुत अच्छी, अगर पॉजिटिविटी की देखें तो भाई मुझे तो पसंद है, चलाने में मज़ा आता है, कोई इशू नहीं है, मेज़र इशूज़ नहीं आए अभी तक, फिंगर क्रॉस्ड, और आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑब्वियसली लोगों के फीडबैक्स हैं इसके लिए नेगेटिव, तो लेकिन वो सबके लिए नहीं है। ऑब्वियसली सारी गाड़ियों में एक ही इशू सब में आएगा तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स में आ जाएगा ना भाई। तो अब आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम आगरा, दिस इज़ आदि विंग्स ऑन ओला S1X। और नेक्स्ट वीडियो मैं जा रहा हूँ स्पीति वैली मनाली से ऊपर, तो उसकी एक वेब सीरीज़ आएगी, तो उसको ज़रूर इतना ही प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय, थैंक यू।